मॉर्निंग एवरी वन गाइज, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। अभी सुबह के 10:30 बजे जस्ट मैंने शावर वगैरह लिया, फ्रेश हुई, थोड़ा भगवान का दिया किया और अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। हाँ, थोड़ा दर्द है अभी, क्योंकि एकदम से तो दर्द नहीं जाएगा, थोड़ा तो पेन है ही मुझे, बट हाँ आई एम बेटर नाउ। और दवाई तो चल ही रही है, अभी और 2 दिन चलने, एक दो दिन की दवा और बाकी है अभी जो कि मुझे खानी है। सर्दी थोड़ी सी अब ठीक हो चुकी है, सर्दी तो ठीक ही हो चुकी है मेरी, सिर्फ और सिर्फ दांत का इशू रह गया, हल्का सा स्वेलिंग आप देख सकते हो, हल्का सा स्वेलिंग अभी है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। जितना हम बैठे रहेंगे उतना ज़्यादा फील होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर रही हूँ मैं। और ज़्यादातर तो डॉक्टर ने बोला है कि सब ऐसा ही फूड खा रहा है, जैसे खिचड़ी हुआ, पुलाव हुआ, खिचड़ी और कढ़ी हुआ, या पुलाव कढ़ी हुआ जो गुजराती कढ़ी होती है ना, ऐसा फूड खाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ अभी। तुवेर दाना आता है यहाँ पे, जो तुअर दाल बोलते हैं ना, जिसे अरहर की दाल, उसका ग्रीन फली आती है यहाँ पे गुजरात में, तो उसकी फलियों के दाने निकाल के ना उसका पुलाव बनाया जाता है, और उसके साथ गुजराती कढ़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो वही बनाने में जा रही हूँ ताकि सबका हो जाए। वैसे आजकल ज़्यादातर मेरे घर में यही खाना बन रहा है मेरे दांत की वजह से, या तो दाल चावल, ऊपर से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए रोटी वोटी थोड़ी सी स्किप हो रही है आजकल, क्योंकि मन ही नहीं करता किचन में ज़्यादा खड़े रहने का। वो दवाई उन्होंने ऐसी दी हुई है कि खा के बस नींद ही आया करती है मुझे, मेरा चेहरा पूरा उतर चुका है, वो दिख ही रहा है आपको भी, क्योंकि एक साथ कई सारी चीज़ें हो गई थी, जुकाम भी हो गया था, दांत भी निकल गया, पाँव भी दुख रहा था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं कि कमेंट सेक्शन में, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि सियाटिका का पेन हो सकता है या समथिंग, तो आप लोग टेंशन ना लें। वैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना है प्रॉपर चेकअप कराने, सोनोग्राफी कराने, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो चलते मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। मुझे सब लोग बोल रहे हैं अभी अवॉइड करो, जब तक चलता है चलाओ, तो थोड़े दिन के बाद फॉर श्योर मैं सोनोग्राफी भी करवाऊंगी, और फिर बाद में ये सियाटिका क्या बोलते हैं इसके लिए जो भी टेस्ट होता है वो भी करवाऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, थोड़ा टाइम मैं रुक जाऊंगी, ये अर्जेंट था तो ये मैंने करवा लिया। चलिए फिर किचन में फटाफट आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, और उसके बाद आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी सी अमेजिंग सी चीज़। तो कुछ चीज़ें जो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हो कि दीदी हमें ये दिखा दो वो दिखा दो, तो थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, पहले थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। ओके, किचन में काम कर लेते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको शो करती हूँ। आराम से सिर में तेल डाला हुआ है, मैंने शैम्पू करूँगी, थोड़ा सा ना बीमार सा फील हो रहा है, तो उसमें अगर थोड़ा सा नहा धो के रेडी हो जाए ना तो थोड़ी सी फीलिंग दूसरी हो जाती है, थोड़ा अच्छा फील होने लगता है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसीलिए मैंने तेल वेल डाला हुआ है, अच्छी तरह से खूब सारा तेल डाला है, अभी डाला है थोड़ी देर पहले नहाने से पहले, तो दोपहर को वॉश कर दूंगी दोबारा से, जब नहाऊंगी फ्रेश हो जाऊंगी, पसीना पसीना हो जाऊंगी, बाहर वेदर बारिश का है लेकिन पसीने तो हैं घर में, ह्यूमिडिटी तो है। तो चलिए फिर अब आपको आराम से मिलती हूँ, खाना वाना बना के सारा काम करके फिर कुछ दिखाती हूँ अमेजिंग सा। ओके, सो गाइज, वही सुबह सुबह के सब काम बस स्टार्ट हो चुके हैं, और मेरी तबीयत को लेके अब आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कल के व्लॉग पे सभी ने मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारा शुक्रिया, आप लोग इतनी परवाह करते हैं मेरी लाइफ में, इतने सारे लोग परवाह करने वाले हों फिर ज़िंदगी में और क्या चाहिए। तो अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, 2-3 दिन की मेडिसिन है जो मुझे कम्प्लीट करनी है, यहाँ पर खेल रहा है, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ खिचड़ी की तैयारी करने। हाँ, सुबह में हम लोगों ने ममरा और मुरमुरे की वो बना के खाई थी, नमकीन चाय के साथ इन लोगों ने। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने कुछ लहसुन वगैरह छील के रखी है, और ये है तुवेर के दाने जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, तुवेर की खिचड़ी में बना रही हूँ, और ये बासमती राइस मैंने भिगोए हैं क्योंकि बासमती राइस की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लहसुन को और हरी मिर्च को क्रश कर लूँगी खिचड़ी के लिए। यहाँ मैं तुवेर की खिचड़ी यानी कि तुवेर का पुलाव में भी डालने वाली हूँ और कढ़ी में भी डालने वाली हूँ। तो ये सारी तैयारी की है, थोड़े से कांदे भी चॉप किए यानी कि अनियंस भी चॉप किए हैं मैंने। तो यहाँ मैं कुकर चढ़ा दूँगी, और जहाँ भी ये मिलता होगा वहाँ आप बना के ट्राई कर सकते हो, यार मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ये तेल डाल दिया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया, आप चाहो तो घी में भी तड़का लगा सकते हो। इसके बाद जैसे तेल गरम हो जाएगा तो फिर मैं राई और हींग डाला है, इसमें राई पड़ती है गाइस, और डायरेक्टली फिर मैंने जो लहसुन और हरी मिर्च को क्रश किया है वो डाल रही हूँ। आपने देखा होगा जनरली मैं इसी तरह से लहसुन डालती हूँ क्योंकि इस तरह से टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैं कढ़ी के लिए बचा दूंगी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया, फिर मुझे लगा चलो कढ़ी के लिए दूसरा ही कर लेंगे, देखिए मैं बाद में सारा ही डाल दूंगी। तो मैंने ये सारा का सारा लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए, इससे ना इस खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैंने अनियंस डाल दिए जो मैंने चॉप करके रखे थे, 2 अनियन थे।
तो ये ना गुजराती फूड है बिल्कुल, मतलब सब जगह के लोगों को तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कहीं ये वाला दाना मिलता हो तो आप भी बना के ज़रूर खाइएगा। अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, और यू नो डिफरेंट डिफरेंट रोज़ क्या बनाएं क्या खाएं तो थोड़ा अलग भी हो जाता है। तो बस इसके अंदर मैंने तुवेर के दाने डाल दिए, यानी कि अरहर की दाल के दाने बोलेंगे इसे, ग्रीन अरहर की दाल बोलेंगे इसे, है ना। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा इसलिए बता रही हूँ। तो थोड़ा सा भून लेंगे दानों को, और फिर इसके बाद थोड़े से ही इसमें मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं जाते। यहाँ मैंने हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा सा मिर्ची पाउडर डालूंगी, लेकिन कलर वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बस ग्रीन ग्रीन ही बनता है, मतलब इसके इसका कलर हमें रेड नहीं करना है इस खिचड़ी पुलाव का। बस इसके बाद बासमती राइस डाल दिए, थोड़ा सा बासमती राइस को भून लेंगे, और इसके बाद में जितना ज़रूरत है उतना पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, एंड दैट्स इट। और हाँ, थोड़ा गरम मसाला ज़रूर जाएगा इसमें, गरम मसाला मैं बहुत कम चीज़ों में डालती हूँ पर इस खिचड़ी में ज़रूर जाता है। बस इसमें सीटी लगा देंगे 3 से 4। और यहाँ पे अब मैं तैयारी करने लगी हूँ कढ़ी की। वैसे कढ़ी तो मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग फिर कहते हैं कि दीदी हमने नहीं देखा था, आपने क्यों नहीं दिखाया। तो फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने दही ली है 1 बड़ा कप भर के, और उसमें 2-3 चम्मच बेसन डाला है, और इसको हम घोल लेंगे। और आपको मैं बता दूँ, गुजराती कढ़ी बहुत डिफरेंट होती है, आपको लगेगा कि दीदी ये तो रायता बना रही है, पर नहीं गाइज़, ये कढ़ी है। तो इसमें थोड़ा सा बेसन पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है, बस इसको बिलो लेंगे अच्छी तरह से। और बिलोने के बाद जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च क्रश करके रखी है ना, वो यहाँ पे डाल देंगे। मैंने दूसरी क्रश की है क्योंकि पहले वाली तो मैंने खिचड़ी में डाल दी थी। यहाँ नमक डाल देंगे, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। हाँ, इसमें चीनी जाती है क्योंकि ये खट्टी मीठी कढ़ी बनती है। गुजराती कढ़ी लोगों को एक बार में पसंद नहीं आती, जब आप रेगुलर खाएंगे फिर आपको अच्छी लगने लगेगी। अब इसमें तड़का लगेगा लास्ट में, और ये वाली कढ़ी बहुत कम पकाई जाती है। यहाँ मैंने जीरा, राई और हींग डाला है थोड़ा सा, और कड़ी पत्ता तो ज़रूर ही पड़ेगा क्योंकि ये गुजराती कढ़ी है। बस फिर वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया है ना, बेसन और दही का घोल, वो डाल देंगे, और इसको चलाते हुए पकाना है कम से कम 10-12 मिनट। 10 मिनट भी नहीं, मतलब मैं बोलूँ तो 8-9 मिनट तेज़ गैस पे चलाते रहेंगे और बस हो जाएगा। इसको गाढ़ा नहीं करना होता गाइस बिल्कुल भी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और हमारी कढ़ी और खिचड़ी हो गई है रेडी, सीटियाँ लग रही हैं। तो ये है आज का हमारा लंच, बस अब इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद खाएंगे। यहाँ खिचड़ी भी तैयार है, और मैं यहाँ पे आई हूँ, ये कुछ कपड़े ना आयन होके आए थे। आयन हम लोग, मतलब मैं बाहर देती हूँ आयन होने के लिए कपड़े, विवेक के कपड़े तो बाहर ही देती हूँ, हमारे कपड़े तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन विवेक को एकदम परफेक्ट चाहिए होते हैं, तो वो कई बार मुझसे नहीं होता यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो फिर मैंने विवेक के कपड़े बाहर ही देना शुरू कर दिया था। तो बस वही मैं रखने के लिए आई, और इस रूम में हमेशा ही पड़ती रहती है ना, तो फैला सा ही रहता है। मैं सब ठीक कर रही हूँ तो मुझे बोल भी रही है कि मत छू मेरा सामान, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मुझे ठीक करने दो, घर ऐसे वैसे हो रहा है। और आज मैंने कौन सा तेल डाला है आप जानना चाहोगे, तो मैंने कोकोनट ऑयल डाला है, मेरिट VCO का प्योर कोकोनट ऑयल, जो कि आपने मुझे बहुत बार यूज़ करते देखा होगा। तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी सामान जैसा कुछ कुछ रखा हुआ है। मैं बोलूँ ना तो जब से तबीयत ठीक नहीं थी, घर के हालात बड़े ख़राब हो गए थे, क्योंकि होता है घर की औरत बीमार पड़ जाए ना तो घर की हालत ख़राब हो जाती है। तो हर जगह जहाँ देखो वहाँ सामान ही सामान, सामान ही सामान, घर की ऐसी तैसी हो गई है बिल्कुल। तो बस वही सब ठीक करने में लगी हुई हूँ मैं। मैंने कहा चलो ठीक कर दूँ, और यहाँ पे ये मिस्टर लेटे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसको छेड़ा मैंने, थोड़ा सा मज़ा आता है इसको छेड़ने में। घर में छोटे बच्चे हो ना तो वक्त कहाँ निकल जाता है गाइस, बिल्कुल पता नहीं चलता। और मुझे तो बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है ना, मैं मस्ती करने का एक चांस नहीं छोड़ती इसके साथ। तो वैसे बस यही कह रही थी कि हाई करो तो आपको हाई कर रहा है ये। और अब मैं किचन में जा रही हूँ थोड़े से बर्तन धोने के लिए, बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, मैंने कहा साथ के साथ धो दूँ ना तो इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं गाइस, एक साथ फिर करना मुश्किल हो जाता है, इतने इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस ये सब करूँगी मैं, और इसके बाद में फिर अब शैम्पू करूँगी खाना खा के। तो काफ़ी अच्छी बनी हुई थी खिचड़ी और कढ़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। वॉइस ओवर तो बाद में हो रहा है, तो बस अब मैं खाना खाऊँगी, नहाऊँगी और शैम्पू करूँगी गर्म पानी से, और इसके बाद में फिर मैं आपको डायरेक्टली मिलती हूँ नहा धो के ना, फ्रेश होके थोड़ा किचन विचिन साफ़ कर लूँ, बेसिन भी धोना है किचन का मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा चुकी हूँ, और मैं अभी क्या लगा रही हूँ आप सबको पता है, नहाने के बाद में मैं लगाती हूँ बॉडी लोशन, और यहाँ मैं वाओ का बॉडी लोशन लगा रही हूँ। ये वाओ का एलोवेरा वाला बॉडी लोशन है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये चिपचिप नहीं करता है एलोवेरा वाला, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और आज ये मैंने नई कुर्ती पहनी है, ये मैक्सी ड्रेस कह लो इसे या लॉन्ग कुर्ती कह लो। और आप लोग हमेशा मेरे बहुत सारे ड्रेसेस के बारे में ना पूछते रहते हो, कई बार व्लॉग पे नीचे कमेंट सेक्शन में होता है कि दीदी आपकी ये ड्रेस आपने कहाँ से ली, ये कुर्ती कहाँ से ली। तो आज आपको मैं इसीलिए खड़े होकर दिखा रही हूँ, देख लीजिए, इसके बारे में भी बता देती हूँ, और 2-4 कुर्ती और भी हैं जो आप जानना चाहते थे, मतलब ड्रेसेस, वो भी बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। ओके गाइस, तो मेरा नहाना धोना शैम्पू सब कुछ हो गया, और टाइम हो गया है अभी मुझे ये सब करते।
3 बजे हुए हैं, तो दोपहर के 3 बजे का वक्त है। और एक सेकंड बताती हूँ आपको, कुछ ये कुछ मैंने पहना हुआ है जो कि आपको बहुत ही प्यारा लग रहा होगा, क्योंकि ये है भी बहुत प्रिटी, आप खुद ही देख लो। प्योर कॉटन का है ये, और ये ना मिडी ड्रेस टाइप है, मतलब लॉन्ग, क्या बोलेंगे इसे, लॉन्ग कुर्ती कह लो या इस टाइप की स्पेगेटी कुर्ती। और ये यहाँ तक टाइट है, यहाँ तक टाइट है, और फिर यहाँ से इसमें फ्रिल है, बड़ा ही सुंदर है। और कपड़ा मैं बोलूँ ना आपको, इट्स लाइक रेयन भी नहीं है ये, कॉटन भी नहीं है, मिक्स है, तो बहुत ही सुंदर प्रिंट और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने मिंत्रा से शॉपिंग की थी। और मैं जब व्लॉग में कुछ भी पहनती हूँ ना गाइस, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछा करते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया था दीदी, ये वाली कुर्ती का लिंक दे दो, ये वाले गाउन का लिंक दे दो। तो जो भी मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो दो तीन चीज़ें इकट्ठी कर करके मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ये जला हुआ वाज फ्लावर पॉट के साथ, लाइटिंग्स कितनी क्यूट लगती हैं। तो खाना अच्छा बना था, ये वाली खिचड़ी विवेक को काफ़ी पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है, तुअर दाने की खिचड़ी। और हाँ मैं अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, अभी तो रहेगा थोड़ा सा ना, जनरली कल के ब्लॉग पे किसी ने बोला भी है दांत में तो कुछ दर्द नहीं होता, तो हाँ उस टाइम पे कुछ दर्द नहीं हुआ था, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में मुझे दर्द है, इसीलिए उन्होंने 3 दिनों का कोर्स दिया है पेन किलर का, तो वो चल रहा है मेरा, तो थोड़ा थोड़ा सा दर्द है और इसकी वजह से सिर थोड़ा सा भारी रहता है दवाई की वजह से, तो नींद नींद सी आती रहती है। लेकिन मैंने सोचा चलो पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा के व्लॉग एंड करूँ, उसके बाद मैं आराम करूंगी। तो शैम्पू किया मैंने जस्ट अभी अभी, तेल डाला था सिर में, आपने देख ही लिया था। तो ये है, ये मुझे पता है कि बाद में सब लोग मुझे जरूर पूछेंगे कि दीदी आपने कहाँ से लिया था, कहाँ से लिया था, तो आप देख लीजिए बहुत ही प्रिटी सी ये लॉन्ग ड्रेस है ना, कितनी सुंदर लग रही है ना, इट्स प्रिटी, बहुत ही प्यारी है। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं पहनूंगी, मैं इसे पहनूंगी एक शर्ट के साथ कंबाइन करके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शाय लगता है, मैं ऐसे ड्रेसेस जरा कम पहनती हूँ ना, तो आई फील लिटिल बिट शाय, तो मैं पहले शर्ट पहन लेती हूँ फिर बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो मेरे थोड़े से बाल बाल ड्राई हो गए हैं। और अच्छा मैं आपको बता रही थी कि जब भी मैं कुछ इस टाइप की ड्रेस वगैरह पहनती हूँ ना मेरे ब्लॉग्स में, तो हर कोई मुझे बाद में जरूर पूछता है कमेंट सेक्शन में कि ये आपने कहाँ से बाय किया दीदी, बहुत सारी मेरी ड्रेसेस के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है, मुझे हमेशा याद रहता है, भले मैं उस टाइम पे आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ पर्टिकुलरली सबको, बट मुझे याद रहता है कि कौन सी ड्रेस के बारे में मुझसे पूछा गया है। तो ये ड्रेस मुझे पता है फॉर श्योर बाद में सब लोग पूछेंगे, ये मैंने एक शर्ट डाल लिया है, आप लोग भी अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो स्पेगेटी पहनने में, तो ऐसे शर्ट या श्रग डाल सकते हो या फिर आप सिंपल कैरी कर सकते हो। तो बहुत प्यारी सी ड्रेस है और आप मानो कि ये कितनी ज्यादा रीजनेबल है, मैं यहाँ कहीं प्राइजेस का मेंशन कर दूंगी। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं हमेशा ज्यादातर मतलब बहुत सारी शॉपिंग मेरी मिंत्रा से भी होती है, आप लोग हमेशा सुनते होंगे मेरे मुंह से जब भी मैं कोई कुर्ती वगैरह डालती हूँ और कोई पूछता है, तो मैं कई बार ब्लॉग में भी बताती हूँ कि मैंने मिंत्रा से बाय की है। मिंत्रा से कौन शॉपिंग नहीं करता होगा, हर कोई करता होगा, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गाइस, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ से मेरी काफी शॉपिंग होती है, चाहे वो कुर्तीज हो, वन पीसेज हो, या फिर इस टाइप के मैक्सी ड्रेस हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मिंत्रा का स्टफ, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, डिलीवरी बहुत फास्ट होती है, आपको कुछ एक्सचेंज करना है, रिफंड करना है, कोई इशू नहीं आता है वहां पे। तो अब मैं आपको एक और एक चीज बता देती हूँ कि सपोज मतलब मैं इस तरह से करती हूँ, जैसे कि मुझे मिंत्रा से शॉपिंग करनी है या अमेजोन से करनी है, कहीं से भी करनी है, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा कैश करो यूज करती हूँ। तो कैश करो यूज करने से होता क्या है कि जो वेबसाइट पे ऑफर्स चल रहे होते हैं, जैसे मिंत्रा पे कुछ ऑफ चल रहा हो जब आप शॉपिंग कर रहे हो वहां से, या अमेजोन से, या अजियो, इवन ममार्थ, 1500 प्लस वेबसाइट है जहां से आप कैश फ्लो के थ्रू शॉपिंग कर सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम डायरेक्टली जाके शॉपिंग करेंगे ना मिंत्रा से या कहीं से भी, तो हमें जो है जो वहां डिस्काउंट होगा सिर्फ वही मिलेगा। लेकिन जब हम कैश करो आपको किसी भी वेबसाइट पे लेके जाता है, कैश करो तो आप 1500 प्लस वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हो। तो जब आप कैश करो यूज करके आप उस वेबसाइट पे जाते हो और कैश करो के थ्रू आप शॉपिंग करते हो, जो भी आपको शॉपिंग करनी है मिंत्रा से सिंपली, वो अगर आप लेकिन सिर्फ कैश करो के थ्रू करोगे ना अगर, तो आपको फायदा क्या रहेगा कि आपको जो वेबसाइट पे ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड वगैरह यूज करना होता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कैश करो आपको खुद भी कैशबैक देता है अलग से, तो आपका डबल फायदा हो जाता है। सपोज कि आपको मिंत्रा से कोई शॉपिंग करनी है लेकिन आप सिंपल जाके करोगे, तो आपको मिंत्रा पे जो ऑफ है वही मिलेगा, लेकिन अगर आप कैश करो के थ्रू करोगे
तो मित्र पे जो है वो तो मिलेगा ही, डबल डिस्काउंट हो जाएगा और कैश करो जो है वो भी आपको कुछ कैशबैक देगा। तो ये फायदा है कैश करो से शॉपिंग करने में। यही रीजन है कि मैं जब भी कोई शॉपिंग करती हूँ, चाहे वो मेरी नाइट ड्रेसेस की शॉपिंग हो या कुर्तीज की हो, या ऐसे आपने मुझे बहुत देखा होगा वन पीस और ऐसे मिडी ड्रेस पहनते, तो ये सारे ज्यादातर मेरे मित्र के होते हैं, तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि कैश करो के थ्रू शॉपिंग करती हूँ, मुझे सस्ता पड़ जाता है। ये एक बड़े काम की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो आज मैं आपको ना कुछ मेरी ड्रेसेस दिखाती हूँ जो कई सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, तो आज सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। कई सारे लोगों ने मुझे देखे इसके लिए भी पूछा हुआ है, आपको याद आ गया होगा देख के, है ना। ये मैंने मिंत्र से ही बाय किया था, तो एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा खोल के, आपको याद आ गया होगा। ये एक मेरा अगेन मैक्सी ड्रेस है जो मैं अक्सर व्लॉग्स में पहनती हूँ, और मुझे सब लोग पूछते हैं कि दीदी आपने कहाँ से लिया, तो मैंने सोचा चलो आज मैं सबको बता दूं कि मैंने कहाँ से लिया है। तो ये मेरा मिंत्र का शॉपिंग किया हुआ है और अभी भी वहां पे अवेलेबल होगा। मैं लिंक सारे जो भी दिखा रही हूँ ना आपको, सबके लिंक नीचे छोड़ दूंगी, सो दैट आपको अगर बाय करना है तो आप भी बाय कर सको। और मैं सारे लिंक वो वाले छोड़ूंगी जिसमें आप कैश करो के थ्रू जाके शॉपिंग कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करना है, वहां से आप जाओगे कैश करो के उस पर, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये मेरा पहला है, ये देखिए कितनी सुंदर सी मिडी है और ये बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। आपको याद आ गया होगा, मैं यहां पे दिखा देती हूँ उसका वीडियो भी या फोटो जो भी मेरे पास होगा। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद, ऐसे लॉन्ग पूरा मैक्सी ड्रेस है, ट्रांसपेरेंट है और पूरा आगे से बटन है और बीच में यहां स्लिट है, और इसके अंदर के लिए भी आप टेंशन ना लें, आप सोचेंगे ट्रांसपेरेंट है हम वेयर कैसे करेंगे, तो इसके लिए अंदर इन्होंने ये दिया हुआ है। ये उल्टा हो रखा है क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले पहना था, आपने देखा भी था एक वीडियो में, कौन सा वीडियो, तीज की तैयारी वाला, तो इस तरह से इन्होंने अंदर ये दिया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, और जब आप अगर आपका किसी भी चीज पे दिल आ रहा है ना तो आप कैश करो के थ्रू तो यार ट्राई कर ही सकते हो, क्योंकि वहां से आपको एक्स्ट्रा कैशबैक जो मिल जाता है तो आपको काफी सस्ते में पड़ जाती है चीज कैश करो के थ्रू, यही फायदा है कैश करो का। तो ये एक मिडी है, बहुत ही सुंदर सी मिडी है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है गाइस। मिडी के लिए मुझे बहुत बार पूछ चुके हैं, जब भी मैं पहनती हूँ कुछ लोगों का कमेंट तो होता ही है, कुछ लेडीज का कि दीदी ये कहाँ से आपने कुर्ती ली है। तो गाइस ये कुर्ती नहीं है, ये मैक्सी ड्रेस है, आज मैंने आपको दिखा दी और मिंत्र से बाय की हुई है। इसके बाद ये है जो मैंने आपको दिखा दिया है, कितना ज्यादा खूबसूरत है, आज मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम पहना है, बिल्कुल न्यू है ये गाइस, बिल्कुल न्यू है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। देखिए ये भी मिंत्र का है, इसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी। और इसके बाद में ये आपको याद आया, कुछ याद आया, ये मैंने एक व्लॉग में पहना था और सबने मुझे पूछा था कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये भी मेरा मिंत्र का ही है। और ये कौन से ब्रांड से है, ये है टोक्यो टॉकिस ब्रांड से, और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ मैं फोटो लगाती हूँ, आप देखो जरा कितना सुंदर लग रहा है पहनने के बाद, काफी सुंदर लगता है ये। तो ये इस तरह से फ्लावर प्रिंट है, ब्राउन कलर का है, ये ब्लैक नहीं है गाइस, ये आई थिंक डार्क ब्राउन शेड है, और इसमें इस तरह से फ्लावर्स हैं, और इसका जो स्लीव है ना दैट इज वेरी मच अट्रैक्टिव, इस टाइप का स्लीव्स है, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये मैं बोलूं तो आपको एंकल लेंथ है ये, वैसे ही मुझे एंकल लेंथ पे भी नहीं आता, एंकल लेंथ से भी थोड़ा ऊपर आता है, यानी इसे हम मिडी फ्रॉक कह सकते हैं। और पीछे इसमें टाई करने के लिए ये बेल्ट है, तो ये बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इसमें भी नीचे तक आप देख सकते हैं यहां तक बटन है, तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये कुछ ऐसी ड्रेसेस है ना कि जो है बहुत रीजनेबल, लेकिन आप इवन पार्टीज वगैरह में भी पहन सकते हो। मैंने हमारे घर के बाजू में जो बर्थडे पार्टी था, आपको याद होगा मेरे पड़ोसी का बर्थडे पार्टी था, उस वाले ब्लॉग में ये मैंने पहना था, याद आया आपको। बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर ये मिडी है, बहुत रीजनेबल है। मैं आपको एक और चीज बता दूं इसके बारे में कि यहां से जो आपको कैशबैक मिलता है वो होता है एकदम रियल कैश, यानी कि उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो गिफ्ट वाउचर में, तो आप इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है ये। और आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना उसमें मैं आपको बोलूंगी स्टे इनसाइड, शॉप ऑनलाइन एंड सेव मनी, तो ये तीनों ही चीजें कैश करो के थ्रू पॉसिबल है कि आप घर में ही रह के शॉपिंग कर रहे हो, घर में हो, सेफ हो, क्योंकि आजकल घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो और पैसे भी बचा रहे हो। वाली बात हो गई, पता है कि आपने शॉपिंग भी की और साथ में आपने अर्निंग भी कर ली, क्योंकि ये जो है वो रियल कैश है, आप चाहो तो बैंक ट्रांसफर कर लो या चाहो तो आप गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर लो इसे, तो ये चीज कैश करो की बहुत अच्छी है, जिस वजह से जो मुझे अट्रैक्ट करती है। और इसीलिए मैं हमेशा जब भी इस तरह की किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करती हूँ, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अजियो, इवन ममार्थ, तो हमेशा मैं कैश करो के थ्रू करती हूँ। यहाँ पे आपको 1500 प्लस वेबसाइट्स मिलती हैं जिसमें आप जो है कैश करो के थ्रू शॉपिंग कर सकते हो,
इसके बाद में मैं आपको दिखाऊं तो एक और बहुत प्यारी ड्रेस है जो कि मैं पहन के देख चुकी हूँ, इसलिए उल्टी हो रखी है। मैं आपको अभी पहन के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है ये, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अभी तक मैंने एक बार भी इसको ब्लॉग में नहीं पहना है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको दिखा तो दें। तो ये देखिए, ये इस तरह से मिडी ड्रेस है, कितनी सुंदर है। ये अगेन टोक्यो टॉकिस से है, ड्रेस है एंकल लेंथ बोल सकते हैं इसको। पूरे में बटन्स है और यहाँ बीच में इस तरह से बेल्ट है और बीच में से यहाँ स्लिट भी है। मैं आपको पहन के भी दिखा दूंगी। अभी बहुत सुंदर लगती है अभी पहन के। इस टाइप की ड्रेसेस मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एकदम क्या बोलते हैं लाइट कलर, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो आप भी चाहें तो इसमें से कुछ भी बाय कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स में आपको जितने भी कपड़े दिखा रही हूँ ना, सबके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप आराम से वो लिंक को क्लिक करके आप सेम प्रोडक्ट बाय कर सकते हो जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, विद एक्स्ट्रा कैशबैक थ्रू कैश करो। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि आपको कैश करो के थ्रू मिंत्र पे जाना है, ना कि डायरेक्टली मिंत्र के ऐप पे जाना है, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक चाहिए तो आपको कैश करो के थ्रू मिंत्र पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से किसी भी प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको कैश करो पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद ऑरेंज बटन को प्रेस कर देना है तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे उस प्रोडक्ट पे जो कि आपको मिंत्र पे चाहिए। वहां पे आपको नॉर्मली जैसे आप सिंपली शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग कर लेना है कोई भी पेमेंट मोड डाल के। इसके बाद आप कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में देखेंगे तो आपका कैशबैक जो है पेंडिंग बताएगा, लेकिन एक बार वो कन्फर्म हो जाएगा, 250 से ऊपर हो जाएगा तो आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो या फिर गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते। वेरी सिंपल गाइस, क्या होगा आपको बड़ा इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से आपको मैं दो तीन टॉप दिखाती हूँ मेरे, जो कि अभी मैंने वेयर नहीं किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी वेयर करूंगी तो हर कोई पूछेगा कि दीदी कहाँ से लिया है, तो मैंने कहा पहले ही बता दो। तो ये मैंने अभी भी नया मंगवाया, आप देखो उसका टैग भी निकला नहीं है। और ये देखिए कोल्ड शोल्डर है ऐसे, और मटेरियल बहुत ही प्यारा है और इसका प्राइस आप खुद ही देख लीजिए स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा रीजनेबल है। और ये है सफराज ब्रांड से, तो ये भी आप चाहे तो कैश करो के थ्रू खरीद सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और बड़ा ही स्टाइलिश टॉप है। आप खुद ही देख लीजिए कितना स्टाइलिश है, यहाँ से पूरा बहुत ही सुंदर टॉप है। तो इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद में एक टी शर्ट है जो कि बिल्कुल प्लेन है और मुझे ऐसी प्लेन टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा वेयर करती हूँ। क्या तो प्लाजो पे आपने देखा होगा मैंने प्लाजो पे वेयर किया था अभी पीछे एक ब्लॉग में और सबने पूछा भी था कि बहुत अच्छा लग रहा है ये आपका लुक। तो ये इस टाइप से कुछ ऊंची सी टी शर्ट है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, एक बार पहनी हुई है। और ये है केशन ब्रांड से और इसका भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी गाइस। ये बहुत ही सस्ती है और डे टू डे लाइफ में वेयर करने के लिए बहुत ही बढ़िया टी शर्ट है। मेरे पास ऐसे टी शर्ट्स बहुत सारे हैं जिनको मैं कभी भी ऑन एंड ऑफ, कभी प्लाजो के साथ, कभी किसी चीज के साथ पेयर करती रहती हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर है, इसका लिंक भी नीचे छोड़ दूंगी। और एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप लोग इसके अलावा, इन चीजों के अलावा और भी कुछ बाय करना चाहते हो ना कैश करो के थ्रू मिंत्र से या कहीं और से, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइज, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड साइन अप। इसके बाद आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप जैसे ही आप करेंगे ना, इस लिंक के थ्रू आपको 25 रुपीज का कैश बोनस मिलेगा। इसके बाद आपको जो भी वेबसाइट पे सर्च करना है वो सर्च कर लीजिए। यहाँ मैं मिंत्र पे सर्च कर रही हूँ। आपको ऑरेंज बटन टैप कर देना है, विजिट रिटेलर टैप कर देना है, तो डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे मिंत्र पे या जिस भी वेबसाइट पे आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नॉर्मली जैसे आप शॉपिंग करते हैं ना, नॉर्मली जिस तरह से, बस उस तरह से आपको ऐड टू कार्ट कर देना है, शॉपिंग कर लेना है। कोई भी आप पेमेंट मोड डाल सकते हैं, COD या जो भी डालना है आपको, आप शॉपिंग कर लीजिए। शॉपिंग करने के बाद गाइज आप प्लेस ऑर्डर करेंगे और उसके बाद जब आप माय अर्निंग सेक्शन में जाएंगे तो आपका जो कैशबैक है वो आपको पेंडिंग दिखाएगा। एक बार कुछ दिनों के बाद जैसे वो कंफर्म हो जाता है तो फिर आपका कैशबैक वहां पे दिखने लग जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो बैंक ट्रांसफर कर लें या फिर गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है गाइज, 1500+ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप कैश के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ। पूरी तरह से समझ आ गया आपको। अभी आज की लास्ट चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी बहुत ज्यादा प्रीटी है और इसके लिए तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँ तो ये मेरी नहीं है, प्रिशा के लिए मंगवाई है।
लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वो और मैं तो कभी कभी सेम कपड़े पहन लेते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा एलिगेंट सा टॉप है। इसकी स्लीव्स देख लो आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और यहाँ बीच में नेट है जो कि काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। और ये है कौन से ब्रांड से, हार्पा ब्रांड से है और बहुत ज़्यादा सुपर डुपर रीजनेबल अफोर्डेबल है। तो ये काफ़ी सुंदर है। ये आज का मेरा लास्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नया आया रखा था तो मैंने कहा चलो जब सारी चीज़ें शो कर रही हो तो ये भी शो कर देती हूँ। बहुत प्रिटी है, इवन आप किसी पार्टी वार्टी में भी वेयर कर सकते हो उसको ब्लैक जेगिंस के साथ या ब्लैक जीन्स के साथ। तो मैं आपको बोलूँ ना गाइज, कैश करो इज लिटरली गिविंग यू फ्री मनी टू शॉप ऑनलाइन, और फिर हम ऐसा क्यों नहीं करें यार, क्यों नहीं कैश करो के थ्रू शॉपिंग करें जब इतना सारा हमें फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी सारा कैशबैक मिल जाता है, कूपन कोड्स और जो वेबसाइट पे डिस्काउंट है वो भी मिल जाता है, साथ साथ हमें इसका जो कैशबैक है वो भी मिल जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट एक बार जरूर ट्रांजैक्शन करें कैश करो के थ्रू। और एक चीज़ और बता देती हूँ, सेल हो या ना हो, सपोज कि मिंत्र पे सेल है या नहीं, अमेजोन पे सेल है या नहीं, कहीं सेल है या नहीं, लेकिन अगर आप कैश करो के थ्रू वहां से शॉपिंग कर रहे हो तो आपको कैश बैक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो पक्की बात है। एक और चीज बता देती हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दिए गए लिंक से वहां पे साइन अप करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 25 रुपीज का कैश बैक किसी भी परचेज पे किसी भी वेबसाइट से जो कि कैश करो पे है। तो बस आज से ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे से क्लिक करके साइन अप कर लीजिए और इसके बाद मैजिक बिगिंस, क्योंकि आप शॉपिंग जब भी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सेविंग आपकी जरूर, आपको पैसा मिलेगा वापस। चलिए गाइज, आज आपको सारे मैंने जो भी आपको चाहिए थे ना, मतलब जो भी आप पूछते रहते थे कहाँ से लिया दीदी कहाँ से लिया, मैंने सारे कपड़े आपको दिखा दिए। बहुत ही प्यारी सी मिडी है, बहुत ही क्यूट है, और कुछ चीज़ें तो मेरी पुरानी हैं लेकिन कुछ मैंने अभी नए मंगवाए हैं जो आपने देख ही लिया कि कुछ इसमें न्यू है जो कि मैंने पहले पहना हुआ था स्टार्टिंग में जो ब्लॉग में आज मैंने नहा के पहना। एक और बात कहना चाहती हूँ गाइज, जिसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे जितने भी मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, उन सब से मैं आज हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। हुआ यूं था कि जब नो डाउट मैं तो कम्युनिटी पे ये चीज पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार व्लॉग में ये चीज कहने का मेरा फर्ज बनता है। हुआ यूं था कि ईद के दिन मैं कुछ काम में थी, भूल गई, मुझे खुद भी नहीं पता चल पाया कि उस दिन ईद है, और मैं मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन फ्रेंड्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ईद विश करना भूल गई थी व्लॉग में भी और कम्युनिटी पे भी, उस दिन भूल गई थी। फिर उसके दो दिन बाद मुझे पता चला था, तब मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें मैंने माफी मांगी थी, लेकिन वो पोस्ट बहुत ही कम लोगों ने देखी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद सब लोगों तक ये मेरी बात और मेरी माफी पहुंची नहीं है जो मैं माफी मांगना चाहती थी। तो मेरे से पता नहीं ये गलती कैसे हो गई यार कि ईद निकल गई और मुझे पता नहीं चल पाया। तो इसके लिए मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है कि मैं आपको ईद विश करना भूल गई। मैं कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ, माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे भूल हो गई, कभी होती नहीं है पर हो गया, मुझे नहीं पता चल पाया, कुछ दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ ना कुछ काम वाम ये वो सब चल रहा था, पता नहीं कैसे स्किप हो गया दिमाग से, पता नहीं कैसे हो गया। जनरली ईद होती है मुझे पता चल ही जाता है और मैं हमेशा लास्ट ईयर भी सबको विश किया था पर इसी बार भूल गई। तो ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी और बस आपसे माफी चाहती हूँ मैं, माफ कर दीजिएगा। कि एक कमेंट ने ना मेरा दिल छू लिया था, मैंने कम्युनिटी पे वो कमेंट डाला हुआ है, तो किसी ने ऐसा लिखा था, शायस्ता खालिल इनका नाम है, और इनका कमेंट ना मेरा दिल और मेरी आत्मा को छू गया था। उन्होंने लिखा था कि ईद की भी मुबारकबाद दे देती बहन सिस्टर, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आखिर दिल से प्यार करते हैं आपसे, तो आपसे ये तो उम्मीद रख ही सकते हैं ना कि ईद पर आप हमें विश करें, अल्लाह ब्लेस प्रिशा एंड अभी लव यू ऑल। तो सॉरी ये कमेंट मेरा दिल छू गया था, ये चीज़ मैंने मेरे कम्युनिटी पे भी लिखी थी कि ये कमेंट मेरा दिल छू गया था। तो आप बिल्कुल भी शाइस्ता जी और जितने भी लोगों ने मुझे यहाँ के कमेंट भी किया है कि कोई बात नहीं दीदी सॉरी मत बोलो, हैव ईद मुबारक, बहुत सारे लोगों ने आके मुझे यहाँ लिखा है, तो उन सबको तहे दिल से थैंक्स, और मुझे समझने के लिए, फिर भी मुझे प्यार करने के लिए मत, और आज की वजह से गलती दोबारा नहीं होगी। पता नहीं ये भूल मुझसे कैसे हो गई, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। ईद मुबारक आप सभी को, मुझे पता है विशेष बहुत लेट हैं, कब की जा चुकी है ईद, लेकिन चूंकि मुझे माफी मांगनी है बस। आपको सारी चीजें मैंने दिखा दी, सब कुछ अच्छे से समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आई नो चेहरा थोड़ा सा अभी भी उतरा उतरा सा है दर्द की वजह से, दर्द अभी नहीं है वैसे ज्यादा, लेकिन दवाइयां थोड़ा जुकाम का असर अभी है और दवाइयां इतनी हैवी हैं कि अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आपसे बात करते करते मुझे लगभग
4:30-5:30 जैसे होने आए हैं ये ब्लॉग फिनिश करते करते। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आखिर ये जिंदगी तो हमें एक ही बार मिली है ना, तो इसे हंस के गुजारिए, ठीक है? चलिए, लव यू, बाय बाय।